ये लड़ाई महज एक सांसद चुनने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लखनऊ में सरकार बनाने की नहीं है, ये लड़ाई दरअसल आपके आने वाले मुस्तकबिल को बचाने की लड़ाई है, ये आपके आने वाली नस्लों के वजूद को बचाने की लड़ाई है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ एक जालिम तानाशाह अपनी तानाशाही से कभी नोटबंदी करके कभी जीएसटी लगा करके आपकी नस्लों को बर्बाद करना चाहता है। जो हंसता है जब आपके बुजुर्गों को लोकतंत्र के इस धीर तंत्र के बनते हुए ताने बाने में जब कभी जानवर के नाम पे कभी गाय के नाम पर पीट पीट कर मार दिया जाए तो वो खामोश होके हंसता है, वो हंसता है जब जंतर मंतर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान जलाया जाता है तो वो हंसता है, वो हंसता है पूर्व प्रधानमंत्री और सलीके के प्रधानमंत्री इस देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाते हुए उनको रोबोट कहते हुए जब वो हंसता है तो मुझे गुस्सा आता है और मुझे लगता है कि ऐसे इंसान से हिंदुस्तान की सल्तनत को निजात मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अफजल मगर में खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं, अब अपना कान खोलिएगा, अपना जहन खोलिएगा। आप भी चाहते हैं ना कि ऐसे चौकीदार से मुल्क को निजात मिलनी चाहिए जो दरअसल गरीबों के घर की चौकीदारी नहीं कर रहा है, अंबानी और अडानी की चौखट की चौकीदारी कर रहा है। उससे निजात मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चाहते हैं आपकी नरेंद्र मोदी नाम के तानाशाह से हिंदुस्तान को निजात मिलनी चाहिए? तो आपको क्या लगता है कि उसे गद्दी से बहन जी हटा देंगी, अखिलेश जी हटा देंगे? जहन खोल के सुनिएगा, किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, किसी सामाजिक दल से सरोकार रखते हो, लेकिन अगले 5 मिनट मुझे सुनिएगा। जिन बहन जी पर आप बहुत भरोसा किए बैठे हैं, 3 बार इससे पहले भाजपा की सरकार बनवा चुकी है लखनऊ में, 3 बार लालजी टंडन और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को राखी बांध चुकी है, कब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राखी बांधने कोई भरोसा नहीं है? वो नहीं हटा सकती नरेंद्र मोदी को। जब सीबीआई नाम का तोता उड़ करके उनको एक डंक मारेगा वो तुरंत भाजपा की गोद में जाके बैठ जाएंगी। आपको लगता है अखिलेश जी हटा देंगे? याद करिए आज से महीने भर पहले का वो बयान जो उनके वालिदे मोहतरम नेताजी मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट के आखिरी भाषण में दिया, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को दुआएं देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी हम आपको दुआ देते हैं कि आपके सारे साथी फिर से जीत के आए और आप फिर प्रधानमंत्री बने। वो दुआ दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने की, और महज दुआ ही नहीं दे रहे हैं, उन दुआओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश भी हो रही है। वरना मेरा टिकट 1 हफ्ते पहले हुआ था डॉक्टर एस टी हसन से, अगर वो सच में भाजपा को हराना चाहते हैं सपा वाले तो डॉक्टर एस टी हसन और कहना चाहिए था कि तुम्हारा भी मकसद भाजपा को हराना है, मेरा भी मकसद भाजपा को हराना है, तो जाओ इमरान प्रताप जी तुम्हारे मजबूत कंधे पर सर्वे सिंह को हराने की जिम्मेदारी डालता हूँ, जाओ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन नहीं, जतन करके जुआड़ करके टिकट लाए, नासिर कुरैशी का टिकट कटवा के टिकट लाए, किसी को टिकट देना और फिर टिकट काट के उसे जलील करना और फिर जुगाड़ लगा के अपना टिकट लाना, ये सारी कवायद सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराने की नहीं इमरान प्रतापगढ़ी को हराने की है। आप उनके पिछले 5 दिन के भाषण उठाइए और 5 दिन के इमरान प्रतापगढ़ी के भाषण उठाइए। कल मेरी जनसभा थी पीरजादा के रोजे की जियारत पर, पूरा पुलिस प्रशासन लगा दिया गया कि जनसभा ना होने पाए, सपा के ही लोगों ने, दरअसल वो भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी से लड़ रहा हूँ, भाजपा से लड़ रहा हूँ, वो मुझसे लड़ रहे हैं, वो तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अफजलगढ़ वालों, बड़ापुर वालों, आप तक खबरें मुरादाबाद से छन छन कर आती हैं, मैं आपके बीच में कम आ पाया हूँ, ये मेरी गलती है मैं मानता हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा वो भी नहीं आए हैं, ये भी सच्चाई है। पिछले 5 साल में आपकी किसी मैयत में, आपकी किसी
किसी शादी में, किसी खुशी में, किसी गम में शरीक होने के लिए डॉक्टर एसटीएसएन आए हो तो बताइए मुझे, कभी आए? बाबा से बुलंद बताइए, पीछे के लोग भी मुझे बताएं, कभी आए किसी खुशी गम में शामिल होने के लिए? नहीं आए ना। आप तो 150 किलोमीटर दूर रहते हैं, धर्म के घर से 100 मीटर की दूरी पर है, वो वहां किसी मैयत में किसी शादी में शामिल होने नहीं पहुंचते। और तो और, जब मुरादाबाद में बिजली चेकिंग के नाम पर मुसलमानों के मोहल्लों को घेर के बुजुर्गों को जलील किया जा रहा था, तब भी खड़े हुए नजर नहीं आए। जब रोटी और बोटी के नाम पर कारोबार बंद करवाए जा रहे थे, तब भी डॉक्टर साहब नजर नहीं आए। अरे जो इंसान पुलिस के सिपाही में सही से खड़े होने की हिम्मत न रखा, 100 गूंगों को पार्लियामेंट भेजने से बेहतर है एक बोलने वाली आवाज को पार्लियामेंट पहुंचाओ, एक बोलने वाली आवाज को पार्लियामेंट पहुंचाओ। समाजवादी पार्टी ने तुम्हें कैंडिडेट के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर एक चेहरा दिया है, भाजपा ने एक चेहरा दिया है, लेकिन कांग्रेस ने तुम्हारी आवाज को उम्मीदवार बनाया है। इस आवाज को कमजोर मत पड़ने देना। अगर मेरे जैसी आवाजें कमजोर पड़ गई तो आने वाले वक्त में तुम्हारी नस्लें तुमसे सवाल करेंगी कि जब एक तानाशाह मुल्क को बर्बाद कर रहा था तब तुम लोग कहां खड़े थे। वो तुमसे तुम्हारा गिरेबान पकड़ के पूछेंगी कि उस वक्त जमीन कहां मरा हुआ था, क्यों बट गए, क्यों मुत्तहिद नहीं हुए। तब तुम्हारे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचेगा मेरे भाई। मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अपनी शोहरत, अपना कैरियर, अपनी जिंदगी। हर दिन मेरी सभाएं रोकने की कोशिश हो रही है। अभी कांट में इसी तरह से किया गया, हमारे दलित साथी राम स्वरूप जाटव जी को पुलिस उठा ले गई क्योंकि वो हमारी जनसभा करवा रहे थे। मजबूरन हमें पूरा हुजूम लेकर थाने जाना पड़ा, थानेदार को माफी मांगते हुए राम स्वरूप जाटव जी को छोड़ना पड़ा। इसी तरह अभी पीपल थाना में इफ्तिखार अंसारी साहब हमारी जनसभा करवा रहे थे, 7-8 हजार का हुजूम था, पुलिस भेज दी गई ताकि व्यवधान उत्पन्न किया जा सके। कल इसी तरह पीरजादा के रोजे की जियारत में हुआ, बौखला गए हैं भाजपा वाले। वो कहते हैं कि वो तो कल का लड़का है, क्या चुनाव लड़ेगा, ये गोलियां नहीं है, बंदूकें नहीं है। तो मैं इन भाजपाइयों को बताना चाहता हूं कि चुनाव सिर्फ जो मेरे पास है मैं उसकी बुनियाद पे लड़ रहा हूं। मैं उसकी बारगाह में जानता हूं कि उसकी दुआएं मेरे साथ हैं। मैं हर दिन अपने आंखों के सामने मौजूदा होते हुए देख रहा हूं। मैं 28 तारीख को पहली बार मुरादाबाद आया था और पिछले 15 दिनों में मैंने देखा है मुरादाबाद की फजाओं को बदलते हुए। आपकी रिश्तेदारियां होंगी, आपके दोस्त होंगे, फोन घुमाइए, पता करिए। आज अखिलेश यादव जी की जनसभा थी मुरादाबाद में, मुरादाबाद ने नकार दिया है समाजवादी पार्टी को। मुरादाबाद खड़ा है अपनी बहू प्रियंका के साथ, अपने नेता राहुल गांधी के साथ, अपने बेटे इमरान प्रताप गढ़ी के साथ खड़ा है मुरादाबाद, खड़ा है ठाकुर द्वारा, खड़ा है कांट, खड़ा है मुरादाबाद देहात। और चारों विधानसभाएं आपकी तरफ नजरें गड़ा के देख रही है कि बड़ापुर क्या फैसला करेगा, अफजलगढ़ क्या फैसला करेगा। आपके फैसले में मुरादाबाद का मुस्तकबिल लिखा जाना है। आज तक जो लोग मुझसे इत्तेफाक में रखते होंगे, मैं उनसे भी गुफ्तगू करते हुए ये बात कह रहा हूं कि आएंगे लोग आपको बरगलाने, आपको समझाने, ये बताएंगे कि इमरान प्रताप गढ़ी तो बाहरी है, वो तो दूर से आया है, वो चला जाएगा। तो जवाब में उनसे कह देना कि नहीं, इमरान प्रताप गढ़ी जाने के लिए नहीं आया है, उसने मुरादाबाद में घर ले लिया है। अब उसके दिल के भी दरवाजे और घर के भी दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि मैं मुरादाबाद से वापस जाने के लिए नहीं आया हूं। कश्तियां हमने जला दी है भरोसे पे तेरे, अब यहां से नहीं हम लौट के जाने वाले। अफजलगढ़ वालों, ये जो नई नस्ल मेरे आंखों के सामने खड़ी है, गठबंधन के लोग आपके सामने आके कहेंगे कि मुसलमानों बटना मत वरना गठबंधन का प्रत्याशी हार जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अकलियत के लोगों बटना मत वरना हिंदुस्तान हार जाएगा। ये हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है,
यह हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। 23 अप्रैल की सुबह जब निकलना अपने घरों से तो एक चीज याद रखना, कुछ लोग तुम्हें बरगलाएंगे कि तुम्हारे एयरपोर्ट से क्या हो जाएगा, तुम तो क्यों दोगे, क्यों परेशान होगे। अपने एयरपोर्ट की अहमियत समझो। दरअसल तुम्हारा एयरपोर्ट उसी तरह से है, तुम्हारे इस उंगली में जो ईवीएम का बटन दबाने की ताकत है, उस ताकत को समझो। ये उसी तरह से है जिस तरह खाने काबा को ढहाने के लिए अब रहा आया था हाथियों का झुंड लेकर के, तो पहले मक्का सोच रहे थे कि क्या होगा, कौन करेगा हिफाजत। खुदा ने आसमान में अबाबीलों का लश्कर भेजा था और उन अबाबीलों के पंजों में एक कंकर था, और वो कंकर जब बरसा है तो अब्रहा का झुंड कहां उड़ गया किसी को पता भी नहीं चला। तुम्हारे पंजों में जो ईवीएम का बटन दबाने की ताकत है, दरअसल वो अबाबीलों के उसी कंकर की तरह है। 23 अप्रैल की सुबह घरों से निकलो, अबाबीलों के लश्कर की तरह निकलो, ईवीएम का बटन इतना दबाओ, इतना दबाओ, इतना दबाओ कि दिल्ली में बैठा हुआ जो अब्रहा मोहब्बतों के काबे को ढहा देना चाहता है, उसका पूरा झुंड उड़ करके गुजरात पहुंच जाए। कि अगर आपने कर दिया तो आप हिंदुस्तान का एक नया मुस्तकबिल लिख देंगे। अफजलगढ़ वालों, एंड कितना हुआ अफजलगढ़ वाले, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं मुरादाबाद सिर्फ सांसदी का टैग लगवाने नहीं आया हूं, अल्लाह ने मुझे पहले से बड़ी इज्जत दे रखी है, बड़ी मोहब्बतें दे रखी है, लेकिन मुझे आपके लिए कुछ काम करना है। मुझे पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना है कि नरेंद्र मोदी जी आपको नींद कैसे आती थी जब आपके घर से 2 किलोमीटर दूर एक बूढ़ी नजीब की माँ चीखती थी तो आपको नींद कैसे आती थी। मुझे पूछना है उनसे सवाल कि जब तमिलनाडु के किसान राजपथ की सड़कों पर दोपहरी में तपती सड़कों पर नंगे लेटे थे तो आपको नींद कैसे आती थी। मुझे पूछना है नरेंद्र मोदी से सवाल कि जब आपने नोटबंदी जैसा तानाशाही वाला फैसला किया और कतारों में लग करके 125 लोग ईवीएम एटीएम की कतारों में मर गए तो आपको नींद कैसे आती थी। मुझे पूछना है उनसे ये सारे सवाल, लेकिन वो मैं तभी पूछ सकूंगा जब आपके एक एक वोट की ताकत मुझे पार्लियामेंट पहुंचाएगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने मुझे पार्लियामेंट पहुंचा दिया तो मुरादाबाद और बड़ापुर की समस्याओं को लेकर के जब बात करूंगा तो सिर्फ आपका सांसद बन के बात नहीं करूंगा, हिंदुस्तान के हर मजलूम, हर गरीब, हर जुल्म के शिकार इंसान की आवाज बन के बात करूंगा और आपको फख्र महसूस होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन एक बार आपको यकीन तो करना पड़ेगा, मैं आपके बीच में नेता बन के नहीं आया हूं। मीडिया के साथी मुझसे कह रहे हैं कि इमरान साहब आप शायर थे, नेता कैसे बन गए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं नेता बन के नहीं आया हूं, बेटा बन के आया हूं, भाई बन के आया हूं। एक बार मुझे सीने से लगा के देखिए, इससे पहले आपने बहुत लोगों को सांसद बनाया, विधायक बनाया, कुछ ने काम किया, कुछ ने कुछ नहीं किया। मौजूदा सांसद तो पिछले 5 साल से गुमशुदा है वो। मैं सबसे कम उम्र का हूं, जितने कैंडिडेट आपके सामने हैं, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, मैं महज 30 साल, 30.5 साल का हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि एक बार इन जवान कंधों पे अपनी जिम्मेदारियां डालकर देखिए, अगर मेरे कंधे कभी झुके हुए नजर आए तो पलट के चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ये आपसे वादा करता हूं। लेकिन एक बार आपको यकीन तो मुझ पर करना पड़ेगा, अगर आपने वो यकीन किया तो ये आवाज जब पार्लियामेंट में गूंजेगी तो इंशाल्लाह आपको फख्र महसूस होगा। मैं आपसे बस एक छोटा सा वाक्य बता के सफर को, चूंकि आचार संहिता है, व्यवसाय से इतना कहना चाहता हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है,
लेकिन एक फकीर बेसुध होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के उस फकीर के पास जाकर उसे जोर से लात मार के बोला कि अरे फकीर, पूरा शहर जश्न में शामिल है और तू सो रहा है, उठ। फकीर ने उन्हीं की आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई जो उसने बादशाह से गधे को सौंप दी? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 23 अप्रैल की सुबह जब ईवीएम की कतारों में खड़े होना तो याद रखना कि कहीं फिर से बादशाह किसी गधे के हाथ में न चली जाए और आपको 5 साल लात न खाना पड़े। कभी नोटबंदी का लात, कभी जीएसटी का लात, बर्बाद करके रख दिया पूरे मुरादाबाद के पीतल उद्योग को। अब मुरादाबाद का कारोबारी हाउस टैक्स का जिक्र कर रहे थे अहमद, 200% हाउस टैक्स बढ़ा दिया। अब मुरादाबाद का बच्चा बच्चा जीएसटी भी हटाना चाहता है और एसटी भी हटाना चाहता है। बड़ापुर वालों, एकजुट हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए। मैं कुछ शेर सुना दूं, बिना सुनाए आप मुझे छोड़ेंगे भी नहीं, मैं जानता हूं आपका हुक्म है। कहते हैं कबूल नहीं राहे हक में सर देना। ये दुआ के तौर पे ये शेर पढ़ रहा हूं। मैं सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं सियासत को इबादत की तरह करने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। मैं अपने बड़े बुजुर्गों की पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द देख रहा हूं उसे देख करके ये शेर पढ़ रहा हूं। कि जिन्हें कबूल नहीं राहे हक में सर देना, दुआ है मेरी ये, कि जिन्हें कबूल नहीं राहे हक में सर देना, हमारी कौम को ऐसे न राह बर देना। मैं जंग लड़ने चला हूं तेरे भरोसे पर, मैं जंग लड़ने चला हूं तेरे भरोसे पर, तू अपना जोर मेरे बाजुओं में भर देना, तू अपना जोर मेरे बाजुओं में भर देना। मेरी माओ बहनों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी। मैं गुजारिश आपसे भी करता हूं कि इससे पहले आपने जिंदगी भर घर वालों के कहने पे वोट दिया है, अपने बड़ों के कहने पे वोट दिया है, लेकिन इस बार आपसे एक बेटा मुखातिब है। आप मेरी माएं हैं, मैं अपनी माओ से बेटा बन के अपील करता हूं कि इस बार लाज माँ और बेटे के रिश्ते की है, इस बार थोड़ी सी बगावत कर लीजिए। 23 अप्रैल की सुबह घर में तब तक चूल्हा नहीं जले जब तक घर का एक एक आदमी इमरान प्रतापगढ़ी को हाथ के पंजे के सामने बटन दबा के वोट न दे आए। आप मेरी पैरवी करें, आप मेरी जमानत लें, और जब एक माँ किसी बेटे की जमानत लेती है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी जमानत होती है। आप मेरी बातों की सच्चाई पर यकीन करें, आपने मेरा पिछला काम देखा है, आप मेरी नजीब की नज्म सुन के बारहा रोई होंगी, आप फलस्तीन की नज्म सुन के मेरे साथ आपने आंसू बहाए होंगे। मैं उन तमाम आंसुओं की दुहाई देते हुए कहता हूँ कि मुझे आपके लिए काम करना है, मुझे मुरादाबाद लोकसभा के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनानी है, मुझे आपके लिए आईएएस आईपीएस की फ्री कोचिंग बनानी है, मुझे तालीम के लिए काम करना है, मुझे इस नई नस्ल को पढ़ते हुए और बढ़ते हुए देखना है। लेकिन वो मैं तभी कर पाऊंगा जब आप एक एक वोट मुझे देंगे। 23 अप्रैल को वोट देंगे, 23 मई को रिजल्ट आएगा, रमजान चल रहा होगा, डेढ़ हफ्ते बाद ईद होगी। मैं बेटे की हैसियत से आपके सामने खड़ा होकर अपनी ईदी मांग रहा हूं, मुझे ईद का तोहफा दे दीजिए, मुझे ईद का तोहफा दे दीजिए, मेरे दामन में अपना एक एक वोट डाल दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अगर 23 अप्रैल तक आप मेरे साथ खड़े हो गए तो 23
24 अप्रैल के बाद इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आपके साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। जो मुझे बाहरी कह रहे हैं, मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, बाहरी वो नहीं होता जो 600 किलोमीटर दूर पैदा हो गया। मैं 600 किलोमीटर दूर पैदा हुआ, ये मेरा कसूर नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा अपने घर से बाहर निकल करके मजलूमों की आवाज उठाई है, उन्हें कंधा दिया है, उनके लिए अपने आंसू खर्च किए हैं। मैं शामिल रहा हूं हर मां के आंसुओं के साथ, मैं बाहरी नहीं हूं। और अगर आप मुझे बाहरी कहते हैं तो मैं अलग ऐलान ये कह रहा हूं कि मैं जिगर मुरादाबादी साहब जैसे शायर के शहर में आया हूं। जिगर साहब पैदा मुरादाबाद में हुए, लेकिन दफन बलरामपुर गोंडा में है। पैदा होना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन दफन होने की ख्वाहिश जरूर जाहिर की जा सकती है। मैं खुदा से अपनी ख्वाहिश जाहिर करता हूं कि मैं पैदा तो प्रतापगढ़ में हुआ, लेकिन अगर मुरादाबाद ने मुझे अपना लिया तो मैं ख्वाहिश जाहिर करता हूं कि जब मेरी आखिरी सांस टूटे तो मेरी मिट्टी इसी मुरादाबाद की मिट्टी में मिला दी जाए। मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। बुजुर्गों की विरासत पर अभी तक नाज करता हूं, जमीन का साथ देने के लिए परवाज करता हूं। दौर में जमहूरियत वालों, मुरादाबाद से इस जंग का आगाज करता हूं, मुरादाबाद से इस जंग का आगाज करता हूं। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि एक एक गांव में नहीं पहुंच सकता, वक्त कम है। दो महीने बचे हैं, मुझे नजीब वाले ने उनके लिए कहा जा रहा है, मैं उसका एक बात सुना देता हूं, लेकिन एक वादा आपसे लेता हूं। मेरे पास वक्त कम है, मैं हर घर में नहीं जा सकता, हर गांव में नहीं जा सकता। आज से इस लड़ाई को आपको लड़ना है। मेरी नहीं ना सुनो, आज से इमरान बन जाओ। मेरी अकेली मेरी कोई विसात नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन अगर आप मेरे साथ खड़े हो गए तो फिर मुझे जीतने से कोई रोक भी नहीं सकता है, ये सच्चाई है। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। मेरे इन बाजुओं में इतनी ताकत दीजिए, मेरी आवाज इतनी बुलंद कर दीजिए कि ये जो गूंगी बहरी दिल्ली है, जब मैं इसकी चौखट पे खड़ा होकर बोलूं तो इसके कान के पर्दे खुल जाए। तो मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा हमेश के लिए आपका बन के रह जाऊंगा। मेरा साथ दीजिए इस लड़ाई में, मेरा साथ दीजिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हर गरीब को हर साल 72,000 रुपया मिलेगा, तो ये राहुल का वादा है, नरेंद्र मोदी का जुमला नहीं है। और अगर आपने मुझे सांसद बना के भेज दिया तो मैं राहुल जी के कुर्ते का दामन पकड़ के कहूंगा कि भैया अब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, आपने वादा किया था कि गरीबों को 72,000 रुपए सालाना मिलेगा, तो इस योजना में सबसे पहला हक मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र का है, क्योंकि दीदी की ससुराल है मुरादाबाद में, और जहां बहन की ससुराल होती है वहां वालों से जरा झुक के मिला जाता है। प्रियंका गांधी की ससुराल है, प्रियंका जी ने मुझसे कहा कि जाओ तो मैं अपनी ससुराल में भेज रही हूं, नेक में जीत करके इस बहू को सीट ला करके देना। मैं उनसे वादा करके आया हूं कि मुरादाबाद मुझे मायूस नहीं करेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े हो जाइए। 23 अप्रैल के बाद इंशाल्लाह आपके बीच फिर आऊंगा। 23 मई को रिजल्ट आएगा तो सांसद बन के आऊंगा, इमरान चल रहा होगा आपके साथ अफ्तारी भी करूंगा, ये वादा करता हूं। और ये सच्चा पक्का वादा है, ये सियासी वादा नहीं है, एक मोमिन का वादा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। चूंकि आचार संहिता है, 10 बजने में 1 मिनट बाकी है, माइक बंद करना हमारी मजबूरी। आज से आप इमरान है, आज से इमरान बन के इस लड़ाई को लड़िए। एक एक हाथ उठा कि आप अपने भाई के साथ खड़े हैं, बेटे के साथ खड़े हैं। सलाम करता हूं इमरान भाई। Thank you.
बड़ा सर।